हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका वीडियो नंबर 24 डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। और बच्चों, ये 24 वीडियो तक मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल्स है, मैंने पूरी थ्योरी आप लोगों को समझा दी है, बराबर। और अब हम पहुँचे हैं फाइनली एक्सरसाइज में, बराबर। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को है ना, उसको डायलॉग भी बोलते हैं। तो कुछ 10वीं वाले स्टूडेंट वो डायलॉग कंप्लीट करने के लिए आते हैं, वो समझते हैं, वो नहीं, बराबर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, बराबर बेटा। तो सबसे पहले डायलॉग सॉल्व करने के लिए, डायलॉग सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले आप लोगों को सभी रूल्स याद होने चाहिए, सभी चाबी आपको याद होनी चाहिए, बराबर। इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करूँ। सभी रूल्स अगर आपको याद हो गए तो तभी जाकर आपको ऐसे डायलॉग समझ में आएंगे, बराबर। तो इस वीडियो पूरा होने के बाद, बराबर, आज आप लोगों को मैं थोड़े बहुत डायलॉग भी आपको ऐसे व्हाट्सअप कर दूंगा, मतलब इस वीडियो के नीचे आपको वो मिलेगा, बराबर। तो उसको जो भी आपको डायलॉग्स मिले, बराबर, जो भी आपको प्रश्न मिले और या तो वीडियो के थ्रू में बताओ, बराबर, तो वो आपको सॉल्व करना है, बराबर। एक तो ये 10वीं और 12वीं में दोनों, 10वीं 12वीं वाले दोनों स्टूडेंट्स को मैं बताऊँ, जो इस वीडियो के द्वारा आज आप लोगों को जो व्हाट्सअप मिले, जितने भी डायलॉग उसमें हो, बराबर, वो आपको एक तो सॉल्व करना है, बराबर, उसके जवाब लिखना भी है। और दूसरी बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो 10वीं वाले स्टूडेंट है उसके पास 9वीं की रेडी रेकनर ग्रामर है, बराबर। तो बेटा उस ग्रामर में से, वेट, उस ग्रामर में से आप लोगों को 9वीं की ग्रामर से आप लोगों को पहले के मिनिमम, पहले के जितने भी डायलॉग है आपके पास, बराबर, वो सभी डायलॉग्स आपको सॉल्व कर देने, बराबर। और उसमें जहाँ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो वह आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। और बात रही 12वीं वालों की, तो उसके पास 11th की रेडी रेकनर ग्रामर है, वापिस जितने भी डायलॉग हो, 10, 15, 20 जितने भी डायलॉग हो, वो सब आपको सॉल्व कर देना बेटा। और जहाँ भी आपको एक छोटी सी भी कन्फ्यूज़न हो, बराबर, तो आप बेझिझक मुझे पूछ लेना। ये आप लोगों का दोनों स्टैंडर्ड का ये प्राइवेट वर्क रहेगा आपकी रेडी रेकनर ग्रामर में से, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, वापस एक बार बता दूं कि 10वीं में सिर्फ आप लोगों का ये जो ग्रामर होता है, ग्रामर बुक होती है, उसका कवर चेंज होता है, बराबर, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। यही रूल्स हो गए और इस प्रकार के ही डायलॉग हो गए, बराबर बेटा। तो आप उसको थियरी आपके पास आ गई है, बराबर, और जो मैं थोड़े बहुत डायलॉग आपको सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें भी बाकी के रूल्स आ जाएंगे। और फिर भी कोई समझ में ना आए तो आप मुझे वो पूछ सकते हो, बराबर। और इसके आगे, मतलब वीडियो नंबर 25 में मैं आप लोगों के साथ, शायद वीडियो नंबर 25, मतलब अगले दिन जो वीडियो नंबर 25 शुरू होगा, तो वो अगले दिन शायद हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट लेक्चर रहेगा, लास्ट दिन रहेगा, बराबर। उसमें जो मैं आपको ये आज जो मैं आपको डायलॉग सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो वो आपको लिख देना है, 5-7 जो भी आपको जो फोटो में मिले वो आपको उसका आंसर लिख देना है, बराबर। और लिखा हुआ आंसर आप पास रखना, मैं जवाब बोलता रहूँगा और आप उसमें कंफर्म करते जाना। उस प्रकार से बाद में आपको इसी प्रकार से वर्क करना है, बराबर। तो वो आप ज़रा देख लेना, ठीक है। और मैं बीच में आपको याद करवा दूँ कि 9th वालों को, सॉरी 10th वालों को, जो उसके पास जो 9th का पेपर सेट है, 5 पेपर, तो टेक्स्ट बुक, 9th के टेक्स्ट बुक रिलेटेड प्रश्नों को निकाल कर बाकी प्रश्न क्रमांक मैंने उसको दे दिए, वो सब पूरा हो जाना चाहिए और अपेक्षा करता हूँ, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूँ कि आज तक पूरा हो गया होगा, बराबर। और जो 12th वाले हैं उन लोगों को मैंने मिनिमम 7 एप्लीकेशन बनाने को दी थी, तो ऐसी मैं आशा, आई होप दैट कि आज तक उन लोगों का ये वर्क भी पूरा हो गया होगा, बराबर। अगर नहीं हो गया हो तो मैक्सिमम आज और कल 2 दिन में आप वो कंप्लीट कर देना, बराबर।
और घर पे रहकर बेटा सेफ रहना, अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलना कि घर पे रहे और बिना काम के बाहर नहीं निकले। दिन ब दिन ये जो लोकल ट्रांसमिशन है उसके कारण केस बढ़ते जा रहे हैं, बराबर। तो हम लोगों को, हम सबको मिलकर इसका सामना करना है, इस सिचुएशन का सामना करना है। और भगवान से, मैं शिव जी से, भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना करना, इस सिचुएशन से हमें जल्द से जल्द बाहर निकालें, बराबर बेटा। और मेहनत में लगे रहना, ओके। और आई होप दैट, ऐसे आशा अपेक्षा रखता हूँ कि आप और आपका परिवार बिल्कुल सेफ रहो, तंदुरुस्त रहो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच। हम अगले दिन वापिस इसकी डिस्कशन में मिलेंगे, ठीक है बेटा? ओके, बाय।